Ladies and gentlemen, good morning and welcome back to another interesting day in my life. So, the OG green sweatshirt का comeback हो चुका है. अगर आप लोग मेरे वीडियो लास्ट ईयर से फॉलो करते हुए आ रहे हो और जिन लोगों को याद है तो ये वही स्वेटशर्ट है और जिन लोगों को लग रहा था कि इस साल आपको वीडियोस में ठंड वाले टाइम पे ये स्वेटशर्ट देखने नहीं मिलेगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा गलत है. अंशुल, यश, हिमांशु, तुम तीन लोग ये वीडियो देख रहे हो भाई. ये स्वेटशर्ट इस साल में चलने वाली है. आज के वर्कआउट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज एक बैक वर्कआउट मैं लगाने वाला हूँ. तो जो कल का दिन था मेरा, जो एक चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट होता है उसमें जो मैं चेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज करता हूँ जो होती है इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसमें कल के दिन पे मेरा एक ऑल टाइम पीआर था 17.5 केजी के डंबल से. मैंने उसमें मुझे एक 10 रेप्स मिले टोटल. तो मेरा मन था नेक्स्ट सेट में उसमें 20 केजेस जाने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक अभी एक स्पॉटर नहीं है, इस टाइम पे मैं सोलो ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वो नहीं प्रेफर किया. और एक और चीज़, जो शुरू के 6 रेप मिले थे वो तो आ गए थे सेल, लेकिन थोड़ा सा एक बंदे ने पुश दिया था मुझे तो 10 तक मैं पहुंच गया था. लेकिन अगर मैं 20 केजी डंबल से अगर मैं लगाता, एक स्पॉटर लेके भी लगाता तो वो मेरे हिसाब से इको लिफ्टिंग होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वो वेट उठा नहीं पाता, लेकिन उससे मेरे हिसाब से 3 या 4 रेप ही आते जो कि मेरा ईगो तो बूस्ट कर देता, लेकिन जो एक्चुअली जो मसल ग्रोथ के लिए जो स्टिमुलस मसल को प्रोवाइड करना रहता है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता. और अभी मैंने अपने ट्रेनिंग रूटीन में एक छोटा सा चेंज किया है. कोई वर्कआउट स्प्लिट चेंज नहीं है, कोई एक्सरसाइजेस वगैरह मैं चेंज अलग से करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ एक चेंज जो मैंने किया है कि जब भी मैं कोई सेट अपना स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक टाइमर लगा लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि जो मेरा फेलियर रेंज हो वो 40-60 सेकेंड्स के बीच में फॉल करे. तो कल के वर्कआउट के बाद आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. आज मुझे एक दिन होता है ना एक वीक में जिसमें आपको लगता है कि यार आज स्ट्रेंथ अच्छी फील हो रही है, कि लास्ट डे खाना अच्छा खाया होता है, आपका वाटर इंटेक काफ़ी अच्छा होता है और आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है. आई थिंक कल मैं 10:30 करीब सो गया था और सुबह 6 बजे उठा हूँ, तो बस 7.5 घंटे की कभी मुझे नींद कंप्लीट हुई है. तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. बैक डे बेस्ट डे, वेलकम टू विंटर ट्रेनिंग आर्ट एपिसोड 2. एक सेट वार्म अप के लिए पुलअप्स मैंने किया था और उसके बाद 4 सेट मैंने लगाए हैं अपने लैट पुल डाउन के. केवल रोइंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अभी रीसेंट टाइम्स में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ वो लगाना. मेन रीज़न उसका बहुत ही सिंपल है कि उसमें मुझे बहुत ही अच्छा माइंड मसल कनेक्शन पिछले कुछ टाइम से फील हो रहा है. बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये लगती है कि जो एक स्ट्रेच पोजिशन पर रहती है उसमें मैं फुल स्ट्रेच नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ पर. उसमें दिक्कत ये जा रही है जब मैं पूरा स्ट्रेच मेरा आर्म पूरा एक्सटेंड होने से पहले ही वो जो केबल है वो ख़त्म हो जा रही है वहाँ पर. तो मैं अपनी तरफ पुल तो बहुत अच्छा पुल कर ले रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पूरा स्ट्रेच देना पड़ रहा है अपने लेट्स को तो वो नहीं हो पा रहा है. आई थिंक लास्ट का 10-20% बचा रहा है, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. स्ट्रेच पोजिशन पर जो आपको पूरा स्ट्रेच फील होता है आपके लेट्स में वो नहीं दे पा रहा हूँ. सॉरी कैमरा के लिए, मैं मिरर में देख रहा था. Yeah.
अभी के टाइम पे जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बैक क्रेन करने के लिए वो है सिंगल आर्म पुल आउट पुल डाउन। वैसे तो जो सीटेड केबल रोज मैं लगाता हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन क्योंकि अभी उसमें फुल स्ट्रेच मुझे नहीं मिल पा रहा है और वो जो स्ट्रेच मुझे पूरा फील होता है वो ये सिंगल आर्म पुल डाउन में फील हो जाता है, तो इसीलिए अभी ये मुझे ट्रेन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये देखो ये जो केबल दिख रहे ये वेट आधा है, ये अभी यहाँ पर डबल लगा हुआ था और ये बिल्कुल ही मैं नहीं मार रहा था, ये अंशुल नाम का एक बंदा आता है जिनमें गलत मत समझना, अंशुल मेरा वाला अंशुल की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरा अंशुल जो आता है ये बंदा आपने इसको एक और वीडियो में देखा होगा जिसमें डेडलिफ्ट मार रहा था बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इसकी, तो वही ये मार रहा था। वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है, 4 सेट करे लैट पुल डाउन के, फिर 3 सेट करे सीटेड केबल रोइंग, उसके बाद 3 सेट 1 आर्म लैट पुल डाउन, उसके बाद लैट ओवर के 3 सेट्स करे मैंने। कभी कभी करता हूँ कभी कभी नहीं करता हूँ उसको, मतलब कभी कभी जब मेरा एनर्जी ज़्यादा रहती है या फिर ऐसा लगता है कि मैं आज ट्रेंड नहीं हुआ हूँ तो उसके 2 या 3 सेट्स में कर लेता हूँ कभी। और फिर उसके बाद रियर डेड्स के लिए मैं रिवर्स पैक डेक से ज़्यादा ये अपना फेस पुल जो रहता है वो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक तो माइंड मसल कनेक्शन अच्छा फील होता है और दूसरी चीज़ की जो रिवर्स पैक डेक रहता है उसमें थोड़ा सा शोल्डर पे लोड रहता है, हो सकता है मेरा फॉर्म ख़राब हो या फिर हो सकता और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जब मैं ये विंटर ट्रेनिंग कार का जो 3rd एपिसोड रहेगा उसमें जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें तो क्या मुझे ट्रेन करते हुए देखना है, मैं लास्ट वीडियो में पूछा था कि जगह कमेंट नहीं आया, आर्म्स हो सकता है, लेग्स हो सकता है और क्या रह गया, चेस्ट और इसकी वीडियो बना ली है मैंने बैक की, आज देखते हैं शायद मैं लेग स्ट्रेन करूँ। वैसे जो मेरा स्प्लिट है अभी मैं 4 डेज़ या 5 डेज़ के बीच में वेरी करता रहता है, थोड़ा 4 डेज़ अगर मेरा स्प्लिट रहे तो मैं लेग से स्टार्ट करके फिर चेस्ट शोल्डर बैक रियर डेड और फोर्थ जो आर्म्स में कर लेता हूँ, जो 5th डे मेरा रहता है जब मेरा साइकिलिंग नहीं रहता है मेन, क्योंकि संडे को या फ्राइडे को जो हमारी साइकिलिंग राइड्स रहती हैं तो अगर वो रहती है तो फिर मेरे को लेग्स ट्रेन करने में दिक्कत जाती है, क्योंकि लेग्स रिकवर होने में टाइम लगता है, तो मंडे मैं फिर एक स्किप कर देता हूँ या फिर अगर नहीं रही फ्राइडे को ही हो गई तो 3 दिन का रेस्ट मिल जाता है तो मंडे को वापस मैं ट्रेन कर लेता हूँ। और अगर कभी 5th डे ट्रेन किया तो पहले तो मैं 5th डे जो था वो हैमस्ट्रिंग और शोल्डर्स कर रहा था फिर आर्म्स कर रहा था, लेकिन अभी 5th जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि हल्का सा अपर बॉडी कर लूँगा मैं, 2 एक्सरसाइजेस चेस्ट की, 2 एक्सरसाइजेस अपनी बैक की और एक कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट कर लूँगी। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट करके सब लोग बताना कैसा लगा, जो भी था कोई भी आपका एक ओपिनियन हो या कोई भी एक एडवाइस हो मेरे वीडियोज़ के लिए कि मैं कैसे इंप्रूव करता हूँ वो जरूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।